नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात करेंगे इस वक्त की दो बड़ी खबरों की, जहां एक और देश में एनआरसी और सीए को लेकर बवाल छिड़ा है। इस बीच मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, जहां विपक्ष द्वारा केंद्र सरकार पर देश के एक तबके के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया जा रहा है, तो वही इस बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि देश के 130 करोड़ आबादी हिंदू है। धर्म और संस्कृति से पर जो राष्ट्रवाद पर देश की विरासत पर जो यकीन रखते हैं वो हिंदू है। ऐसे में देश के 130 करोड़ आबादी हिंदू है। ये मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। इस बीच आपको बता दें कि जामिया मिलिया इस्लामिया जिस तरह से बीते दिनों पुलिस द्वारा इस यूनिवर्सिटी में घुसकर छात्रों के साथ बर्बरता की गई थी, इसी की रिपोर्ट एचआरडी मिनिस्टर को कॉलेज प्रशासन द्वारा सौंपी गई है। इस रिपोर्ट में भी पुलिस पर आरोप लगे हैं छात्रों के साथ बर्बरता पूर्ण सलूक करने के, छात्रों के साथ मारपीट करने के आरोप लगे हैं, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ के आरोप लगे हैं, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले लाइब्रेरी में छोड़े जाने का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से पूरे देश में सीए को लेकर एक बवाल देखने को मिला बीते दिनों, इस बीच मोहन भागवत जिस तरह से उनका बयान सामने आया है कि 130 करोड़ आबादी देश की वो हिंदू है, इस बयान के क्या कुछ मायने यहाँ पर निकाले जाए? देखिए सुमन, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मोहन भागवत ने हैदराबाद में इस तरीके का बयान दिया है वो निश्चित तौर पे वो जलते हुए आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्योंकि आप देखिए, जब संसद से सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बिल पास हुआ, फिर उसके बाद जब वो कानून का शक्ल लिया, फिर उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में जिस तरीके से पूरे विरोध प्रदर्शन और तमाम हिंसक तस्वीरों का सामना करना पड़ा, उसके बाद से जो स्थिति पैदा हुई कि दर्जनों लोगों का जाने गई, फिर उसके बाद पूरे देश की जो स्थिति बनी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराया, न जाने कितने आगजनी पुलिसों पर पथराव हुई, तो पीएम मोदी को लगा कि अब ये कुछ ज्यादा मामला तूल पकड़ रहा है। तो उन्होंने दिल्ली में धन्यवाद रैली के बहाने रामलीला मैदान से करीब 92 मिनट की भाषण के दौरान उन्होंने जवाब दिया कि दरअसल जिस चीज का विरोध इतना बड़े पैमाने पे किया जा रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, और लोगों से अपील भी की कि वो हिंसा न करें। और अगर संघ प्रमुख मोहन भागवत अगर हैदराबाद से अगर इस तरीके की बात बोलते हैं कि हिंदुस्तान के सभी 1 अरब 30 करोड़ लोग हिंदू हैं, तो वो पता नहीं उनका क्या विचारधारा है। देखिए, चूंकि क्या है कि संघ का अपना जो विचारधारा है वो एक संघ से प्रभावित बीजेपी होती है, और बीजेपी की संघ की जो नीतियां होती हैं वो कहीं ना कहीं बैकडोर से वो बीजेपी इम्प्लीमेंट करती है। नीरज, इस बयान में एक और खास बात देखी गई है कि राष्ट्रवाद का जिक्र भी बयान में किया गया है। मोहन भागवत साफ तौर पर कहा है कि धर्म और संस्कृति से परे जो भी लोग देश की विरासत पर, उसकी पुरानी संस्कृति पर, राष्ट्रवाद पर, राष्ट्रवाद की भावना जिन लोगों में है, वो 130 करोड़ आबादी हिंदू है। यहाँ लगातार जो बीजेपी है, केंद्र सरकार भी हमेशा राष्ट्रवाद का झंडा ऊंचा करने का जो आरोप है वो भी लगातार विपक्ष उन पर लगाता आया है। ऐसे में मोहन भागवत जिस तरह से बयान सामने आया है, क्या केंद्र की मुश्किलें इस बयान के बाद बढ़ सकती हैं? देखिए सुमन, जिस तरीके से हमारे देश में अनेकता में एकता का जो पर्याय मंत्र लेकर के हम चलते हैं, लेकिन संघ इससे एक कदम आगे सोचता है। जी, संघ के कहने का मतलब यह है कि हम विविधता में एकता देख रहे हैं। जी, कि वो इस देश में जो हिंदुस्तान में जो रह रहा है, भारत जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र में रहने वाला हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो हिंदू है। तो ये देखिए, कोई इसमें दो राय नहीं है सुमन, कि जिस तरीके से राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 का मुद्दा हो, ये सारे एजेंडे जो रहे वो संघ के हार्डकोर एजेंडे रहे हैं। नागपुर से जब मोहन भागवत ये बोलते हैं कि हमारे लिए इस देश में हिंदुइज्म सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको हम इम्प्लीमेंट का एक बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं, तो वो बात जब उनकी सरकार बन जाती है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। आप याद करिए, जब UP 2 में जब कांग्रेस काफी अपने बुरी स्थिति से चल रही थी, तो नागपुर से मोहन भागवत ने हिंदुइज्म को लेकर के बहुत सारी चीजें बोली थी कि इस देश में हिंदुइज्म को खतरा है, 13 वैभव अमर रहे मां, हम दिन 4 रहे न रहे, इस नारे को जो उन्होंने जोड़ते हुए जो
हिंदुस्तान पे बात कही थी, फिर उसके बाद अब जब उनकी सरकार बन गई है तो संघ का ये पूरा फोकस है कि किसी भी तरीके से जो मौजूदा सरकार है वो जो हार्डकोर हिंदुइज्म जो है उस पे उसको बढ़ावा देता रहे। और इसीलिए मुझे लगता है शायद कहीं ना कहीं मोहन भागवत हर एक बड़े मंचों से इस तरीके की बातों का जिक्र कर देते हैं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष देश है, इस देश में सभी जाति धर्मों के लोग रहते हैं, तो खुले तौर पर ये नहीं कि कोई बोलने की हिमाकत करता कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन इनडायरेक्टली वे में कहीं ना कहीं अपना मैसेज कन्वे करने में लगे रहते हैं। वो चाहे संघ के मोहन भागवत हो या फिर रज्जू भैया हो या तमाम जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं उनके जुबान से निकलता रहता है। अभी देखिए राज्यसभा के जो सांसद हैं आपके राकेश शर्मा जी, उनके उनके उन्होंने भी कई बार इन सारे मुद्दों पर लेकर के अपनी बयान दी है। तो इन सारी चीजों से लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में सत्ता में न रह करके भी वो अपनी सारी चीजों को कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट कराती रहती है, जो उसकी सोच है अपनी जिस चीज को लेकर के वो आगे बढ़ रही है। चलिए नीरज, ये तो बात हुई संघ की और संघ प्रमुख मोहन भागवत द्वारा दिए गए बयान के बाद बीजेपी की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी वो तो खैर आने वाला वक्त बढ़ाएगा, लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जिसकी मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती है, क्योंकि जो रिपोर्ट थी जामिया मीडिया में जिस तरह से बीते दिनों हंगामा देखने को मिला था, ये पूरी रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन ने HRD मिनिस्ट्री को सौंप दी है। और इस रिपोर्ट में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्ण हरकत सलूक जो है छात्रों के साथ किया है, आंसू गैस से गोलों का इस्तेमाल किया गया है, लाठी चार्ज किया गया है, लाइब्रेरी में तोड़फोड़ पुलिस ने की है। इसके बाद अब क्या कुछ मोड़ यहां से ये पूरा मामला ले सकता है? देखिए जब जामिया में पूरा विवाद चल रहा था, जिस तरीके से वहां पे पूरा रात में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ था छात्रों और पुलिस के बीच में, तो उसको लेकर के मानव संसाधन मंत्रालय ने यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी थी, तो यूनिवर्सिटी ने अपनी रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपी है, जिसमें इस बात का दावा किया गया है कि पुलिस दीवार को फांद करके गई है और वहां पे बर्बरता की है छात्रों के साथ, लाइब्रेरी में घुस करके तोड़फोड़ की है और हिंसक मतलब की जो तस्वीरें हैं वो पुलिस के द्वारा वहां पर पैदा की गई हैं। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि दिल्ली पुलिस अगर कोई भी ऐसा कोई कानून है जिसको लेकर के सरकार सजग है, और जब पुलिस भी सरकार की ही, देखिए दिल्ली में टोटल जो है पुलिसिया जितना डिपार्टमेंट है सब केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अब केंद्र सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके कानून पर किसी भी तरीके का बवाल मचे, तो क्यों पुलिस इस तरीके की हिंसक झड़प करेगी और क्यों मतलब कि इस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार करेगी? देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें देखिए पुलिस पे आरोप लग रहे थे कि जो वहां पे बसें जलाई गई थी वो उसमें पुलिस वालों का हाथ था, पुलिस वाले पेट्रोल से भरा गैलन लेकर के जाते हैं, बस छिड़कते हैं, फिर आग लगाते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो दिखाई दे रहा है इसमें यह है कि मोटरसाइकिल में आग लगी हुई है और एक प्रदर्शनकारी युवक बाइक को घसीटते हुए ले जाता है बस के नीचे, उसको घुसेड़ देता लगा देता है, तो उससे जो आग पूरा लगता है वो वहां से पूरी सारी तस्वीरें पैदा होती। तो ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन की अपनी एक अलग रिपोर्ट है। अब देखिए विश्वविद्यालय नहीं चाहेगा कि दिल्ली प्रशासन को वो ब्लेम करे, दिल्ली प्रशासन को वो ब्लेम ना करे, वो अपने छात्रों को छात्रों का पक्ष निश्चित तौर पे लेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से ये मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी गई है जिसमें पुलिस के द्वारा बर्बरता की गई इन सारी बातों का अगर जिक्र किया गया है, तो क्या अब यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि क्या अगर ये सही है तो दिल्ली पुलिस क्या अपना कुछ सफाई देगी? ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल नीरज, अब बस इस बात का इंतजार है कि इस रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस की किस तरह से प्रतिक्रिया इसमें सामने आती है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की दो बड़ी खबरें, एक संघ प्रमुख मोहन भागवत का बयान जिसमें वो कहते हैं कि देश के 130 करोड़ की आबादी हिंदू है, तो वहीं दूसरी ओर जामिया मिलिया इस्लामिया मामले में जो रिपोर्ट कॉलेज प्रशासन द्वारा HRD मिनिस्ट्री को सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि पुलिस ने बर्बरतापूर्ण तरीके से छात्रों पर कार्रवाई की है, छात्रों के साथ मारपीट की गई है। अब इस दोनों ही मामलों के बाद आगे क्या कुछ बोर्ड लेगा, प्रमुख मोहन भागवत का जो बयान है वो कितनी मुश्किलें यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार की बढ़ाएगा, साथ ही साथ अगर दिल्ली पुलिस पर जो ये आरोप लगे हैं ये अगर साफ होते हैं तो क्या इसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ फिलहाल इतना ही, देखते रहिए ABC स्टार न्यूज़।